जो लेक्चर है वो लेक्चर हम लोगों का एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर, अर्थ प्रेशर ट्रस्ट से रिलेटेड है। मैं आज का जो सेशन आप लोगों के साथ में पढ़ा रहा हूँ दैट इज़ बेस्ड ऑन रैंकाइंस एनालिसिस, ठीक है। मैंने आपको लास्ट की क्लास में ध्यान हो तो पढ़ाया था अर्थ प्रेशर तीन टाइप के होते हैं, अर्थ प्रेशर तीन टाइप के हो मैंने आपको बताए थे, अर्थ प्रेशर ट्रस्ट कंडीशन, एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर। मैंने पूरा डायग्राम वगैरह फिगर वगैरह सब बनाकर हर एक एक पॉइंट बताया था कि अर्थ प्रेशर क्या होता है, अर्थ प्रेशर लगता कैसे है, और सबसे बड़ी बात अर्थ प्रेशर क्यों लगता है उसके बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया था। जब भी आपके पास क्या ऑकर होता है ना, जब भी आपके पास यहाँ पर बहुत हैवी स्ट्रक्चर बनाते हैं टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ सॉइल, जब आप एक बहुत हैवी स्ट्रक्चर बनाते हैं टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ सॉइल, तो वहां पर जो प्रेशर डेवलप हो रहा था उसको अर्थ प्रेशर एट रेस्ट अपन कहते हैं। हाँ, तो मैं ये बता रहा था आप लोगों को, ठीक है, मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि जिस टाइम पर हम लोग हेवी स्ट्रक्चर बनाते हैं टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ सॉइल, तो वो हेवी स्ट्रक्चर बहुत हेवी इन वेट होता है, जिसके कारण उसका लेटरल डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल नहीं था। तो हमने कहा था कि वहाँ पर जो प्रेशर डेवलप होगा उस प्रेशर को मैं कहूँगा अर्थ प्रेशर एट द रेस्ट कंडीशन। फिर मैंने क्या किया था, मैंने एक लाइट स्ट्रक्चर बनाया था विच वॉज लाइट इन वेट, तो मैंने आपको कहा था कि ये हल्का है वेट में इसलिए इसका मूवमेंट पॉसिबल हो पाएगा। यदि इस हल्के स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो इसको मैं शीट पाइल भी बोल सकता हूँ, इसको मैं रिटेनिंग वॉल भी बोल सकता हूँ। यदि इस वॉल का मूवमेंट अवे फ्रॉम द बैकफील जा रहा था तो उसको हम कहेंगे जो प्रेशर डेवलप हो रहा था उसको मैं कह रहा था एक्टिव अर्थ प्रेशर, और टूवर्ड्स बैकफील यदि मैं जाता हूँ मतलब वॉल आपकी सॉइल को कॉम्पैक्ट करती है टूवर्ड्स डेंसिफिकेशन ले जाती है, तो ऐसे प्रेशर को मैंने कहा था पैसिव अर्थ प्रेशर। मैंने कल की क्लास में आप लोगों को कोफिशेंट्स भी निकाल के बताए थे, डिराइव करके बताए थे कि कोफिशेंट निकलते कैसे हैं। मैंने अर्थ प्रेशर रेस्ट का भी कोफिशेंट आपको पूरा बकायदा डिराइव करके बताया था, पॉइजन्स रेशो डिवाइड में 1 माइनस पॉइजन्स रेशो। एक्टिव अर्थ प्रेशर का भी कोफिशेंट मैंने डिराइव करके बताया था, 1 माइनस साइन फाइव डिवाइड में 1 प्लस साइन फाइव। पैसिव अर्थ कोफिशेंट भी केपी जिसको हम कहते हैं उसको मैंने आपको डिराइव करके बताया था, इसकी वैल्यू आ रही थी 1 प्लस साइन फाइव डिवाइड में 1 माइनस साइन फाइव, याद ही थे आप लोगों का। तो ये पूरा हम लोग देख चुके थे। मैंने ये भी बताया था आपको कि कोफिशेंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर और कोफिशेंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू 1 मिल जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, ये एक दूसरे के इन्वर्स में होते हैं। क्लियर है अपनी यहाँ तक की बात? यस सर, यहाँ तक की पूरी बात क्लियर है। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि यदि हम सेम टाइप की सॉइल की बात कर रहे हैं, सेम डेप्थ पर बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा कोफिशेंट होगा पैसिव अर्थ प्रेशर कोफिशेंट, उससे छोटा होगा अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, और सबसे छोटा होगा एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशेंट। तो कोफिशेंट के हिसाब से आपके प्रेशर भी सेम वैल्यूज देंगे, मतलब मैक्सिमम प्रेशर जो अवेलेबल हो सकता है सॉइल में दैट विल बी योर पैसिव अर्थ प्रेशर। इसलिए हमने कहा था कि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो होता है वो पैसिव स्टेज में हमें मिलता है, हॉरिजॉन्टल प्रेशर, बताया था कल मैंने ये बात आपको। एक्टिव स्टेज की मैं बात करूं तो एक्टिव स्टेज में मुझे एक्टिव अर्थ प्रेशर मिलेगा जो सबसे मिनिमम वैल्यू होती है हॉरिजॉन्टल प्रेशर में। भाई कोई एलिमेंट यदि मैं पकड़ूं किसी भी सॉइल के अंदर तो उसके अंदर वर्टिकल स्ट्रेस लगते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस लगते हैं। तो यदि मैं पैसिव स्टेज की बात कर रहा हूं तो पैसिव स्टेज में ये हॉरिजॉन्टल प्रेशर क्या हो जाते हैं, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस बन जाते हैं, और एक्टिव स्टेज में ये हॉरिजॉन्टल प्रेशर क्या हो जाते हैं, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस बन जाते हैं। ऐसा मैं कल सब कुछ आपको पढ़ा चुका हूं लास्ट क्लास में। आगे का आज हम डिस्कस करते हैं। एक बार जल्दी से सभी दोस्त यारों के साथ में आप शेयर कर दो, है ना, एक बार सभी मित्र भाई बंधु सखा और जो जो आप लोगों के होते हैं, है ना, उन सभी के साथ में सेशन शेयर करेंगे फुर्ती से, फिर मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं भी एक बार जरा जल्दी से डाल देता हूँ सभी ग्रुप्स में। फिर आज का जो हमारा सेशन है रैंकाइंस एनालिसिस को कंसिडर करते हुए, रैंकाइंस के अजम्पशंस को कंसिडर करते हुए
मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट केसेस रहेंगे जिसमें हम एक्टिव अर्थ प्रेशर निकाल सकते हैं या पैसिव अर्थ प्रेशर निकाल सकते हैं या अर्थ प्रेशर ड्रेस्ट निकाल सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। कई बार इन केसेस से जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। तो पहले मैं एक बार शेयर मार देता हूँ सबको, क्योंकि मैं आज डाला ही नहीं था आज के लेक्चर के बारे में, तो पहले मैं एक बार सभी जगह शेयर कर देता हूँ। आप लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है कि आप लोग भी सभी जगह क्या करें, सेशन को शेयर करें और बताएं कि सेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सेशन स्टार्टेड ऐसा लिख देना चाहिए। लिंक तो ऐसी बहुत सारी आती रहती है, लेकिन सेशन स्टार्ट हो चुका है इसकी जानकारी देना अत्यावश्यक माना जाता है। ओके, चलिए सब जगह पर हम लोगों ने डाल दिया है। आगे बढ़ते हैं अपन लोग और देखते हैं आज का लेक्चर, जो कि एकदम ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको रैंकाइंस के अजम्पशंस पढ़ाता हूँ, उस अजम्पशंस के बेसिस पर फिर अपन आगे बढ़ेंगे भैया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रैंकाइंस अजम्पशन, या सबसे पहले अपन लिख देते हैं रैंकाइंस एनालिसिस फॉर लेटरल अर्थ प्रेशर। ठीक है, ये हमारा अभी का टॉपिक रहने वाला है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूँ, अजम्पशंस ले रहा हूँ। कुछ अजम्पशंस अपन यहाँ पर लेते हैं, है ना, कुछ अजम्पशंस अपन यहाँ पर ले रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट अजम्पशन में लिख रहा हूँ, सॉइल शुड बी होमोजीनियस, है ना, सॉइल इज होमोजीनियस हो, कोहेजन लेस भी हो, है ना, सॉइल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक, सॉइल इज होमोजीनियस एंड क्या लिख दूं मैं, आइसोट्रॉपिक, होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, अच्छा होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक का मीनिंग क्या होता है, इसको मैं अभी आपको बताने वाला रहूँगा। What is the meaning of homogeneous material? What is the meaning of isotropic material? उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर लिख रहा था कि आपकी जो वॉल है भाई, लेटरल अर्थ प्रेशर किसके बीच में लगता है, वॉल और सॉइल के बीच में लगता है, तो जो वॉल है ना वो स्ट्रेट वर्टिकल खड़ी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर कुछ टाइप का तिरछी मिर्ची खड़ी होगी, इट शुड बी स्ट्रेट एंड वर्टिकल, है ना। सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वॉल इज स्ट्रेट एंड वर्टिकल, वॉल इज स्ट्रेट एंड वर्टिकल होना चाहिए। आपका ये जो बैकफिल सॉइल है ना, हम किसके अंदर देख रहे हैं, कोहेजन लेस सॉइल में देख रहे हैं। आने वाले टाइम में हम कोहेजन सॉइल की भी स्टडी करेंगे, अभी फिलहाल में हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, कोहेजन लेस सॉइल का। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बैकफिल सॉइल इज कोहेजन लेस। बैकफिल का मीनिंग मैं कल भी बताया था, वॉल के पीछे जो सॉइल हमने रिटेन कर रखी है उसमें हम कहेंगे बैकफिल। तो मैं लिख रहा हूँ बैकफिल सॉइल इज कैसी होना चाहिए, कोहेजन लेस होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई, इसका मीनिंग भी समझ में आ गया, कोहेजन लेस होना चाहिए, ये इसका अजम्पशन है क्योंकि उन्होंने कोहेजन लेस सॉइल की एनालिसिस किया है। तो कल मैं आपको बताया था ना कि वॉल है, बहुत सारे पार्टिकल्स रिटेन कर रखे हैं, मैं अपनी बॉडी में डिफॉर्मेशन ऐसा दे रहा हूँ तो सभी पार्टिकल्स मेरी बॉडी पर आ जाते हैं, वो सब मैंने आपको कोहेजन लेस बारे में बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जो वॉल है वो कैसा है, स्मूथ है ना, वॉल सरफेस इज स्मूथ। ठीक है, वॉल सरफेस इज स्मूथ, है ना, वॉल सरफेस आपका स्मूथ है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने सॉइल और वॉल के बीच में स्मूथ सरफेस रखा है, मतलब हम सॉइल और वॉल के बीच में कोई अदर टाइप का फ्रिक्शन कंसिडर नहीं कर रहे हैं, है ना, हम वॉल सरफेस स्मूथ ले रहे हैं, मतलब हम सॉइल और वॉल के बीच का फ्रिक्शन कंसिडर नहीं कर रहे हैं। लास्ट अजम्पशन में यहाँ पर लिख रहा हूँ रैंकाइंस एनालिसिस में, और वो ये है कि आपका ये जो बैकफिल सॉइल होता है ना, अभी तक मैं कैसा बनाते आ रहा था, आपका ये जो बैकफील्स, ये आपका वॉल हो गया जैसे, है ना, और यहाँ पर अपन क्या बनाते थे, ये आपका सॉइल हमने यहाँ पर रिटेन कर रखा है। तो मैं बोल रहा हूँ
कि आपके ये जो बेकफील सॉइल है इसके सरफेस जो होना चाहिए वो प्लेन होना चाहिए एकदम, या तो ये हॉरिजॉन्टल हो सकती है या फिर इंक्लाइंड भी हो सकता है, आपका ग्राउंड सरफेस इंक्लाइंड भी हो सकता है। कभी कभी माउंटेन वाला जो एरिया होता है वहाँ पर इंक्लाइंड सरफेस भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो ये या तो हॉरिजॉन्टल हो सकता है या फिर इंक्लाइंड हो सकता है, लेकिन होना कैसा चाहिए, एकदम फ्लैट होना चाहिए सरफेस में। ऐसा ना हो जाए कि यहाँ पर सरफेस आपका इस टाइप का आ जाए, ये इस टाइप का ग्राउंड आपको मिल जाए। ऐसी सॉइल को हम रिटर्न करने का नहीं मान रहे हैं, ये इसका अजम्पशन है रेंकाइन सर का, ठीक है। तो जो बेकफील सरफेस है इट शुड बी प्लेन। अब ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, इंक्लाइंड भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, लेकिन सरफेस प्लेन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा हमें यहाँ पर बोला गया है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, है ना, मैंने कहा ठीक है भाई साहब। तो हमने यहाँ पर लिखा बैकफिल सरफेस इज, बैकफिल सरफेस इज प्लेन, क्या होना चाहिए, एकदम प्लेन होना चाहिए, प्लेन सरफेस होना चाहिए, सरफेस इज प्लेन, और है ना, इट मे बी हॉरिजॉन्टल और, या एंड लिख देता हूँ, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है एंड इंक्लाइंड भी हो सकता है, ठीक है, इंक्लाइंड भी हो सकता है। यहाँ तक की बात अपनी पूरी क्लियर हो गई है? यस सर, यहाँ तक की बात अपनी पूरी रूप से पूर्ण तरीके से क्लियर हो चुकी है। तो अभी मुझे यहाँ पर आपको क्या बताना है, मुझे सभी अजम्पशन का मीनिंग पता है, सिर्फ मुझे होमोजीनियस वर्ड का मीनिंग समझना है, आइसोट्रॉपिक वर्ड का मीनिंग समझना है। मैंने कहा आइए मैं आपको इन दोनों के मीनिंग समझाता हूँ कि होमोजीनियस किसको बोलते हैं और आइसोट्रॉपिक हम किसको बोलते हैं, ठीक है। इसको अभी हम यहाँ पर देखते हैं। तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, है ना, यहाँ पर मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि भैया मैंने जैसे लिखा कि मेरे पास ये कोई एक मटेरियल है। मैंने क्या लिखा, मेरे पास जैसे कोई एक मटेरियल है, ठीक है। इतनी बात, ये मैं मान लेता हूँ कि ये मेरी एक्स डायरेक्शन है, और ये मैं मान लेता हूँ कि सपोज ये मेरा वाई डायरेक्शन है, और मैं मान लेता हूँ सपोज ये मेरा जेड डायरेक्शन है। यहाँ तक की बात क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ये मेरा कोई एक मटेरियल है, इस मटेरियल में मैंने डायमेंशन डिफाइन कर दी, सॉरी, इस मटेरियल में मैंने डायरेक्शन डिफाइन कर दी कि एक्स डायरेक्शन। तो आप कोई सा भी पॉइंट पकड़ो, जैसे मैंने कहा कि मैंने ये वाला पॉइंट पकड़ा, तो एक्स डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज की क्या है, सपोज ई है, सो ई इज द प्रॉपर्टी इन एक्स डायरेक्शन। तो अब आप कोई सा भी पॉइंट पकड़ लो, इस डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी होगी वो ई ही रहेगी। मतलब सपोज मैंने ये वाला पॉइंट पकड़ा, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी है वो मेरा ई ही रहेगा। यहाँ पर मैंने सपोज ये पॉइंट पकड़ा, तो एक्स डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी है वो मेरे पास ई ही रहेगा। मतलब होमोजीनियस मटेरियल मतलब क्या होते हैं, होमोजीनियस, ये आपका क्या है, ये आपका होमोजीनियस है, दिस इज योर होमोजीनियस मटेरियल। समझ में आ रही मेरी बात? मतलब यहां पर गिवन डायरेक्शन में, इफ यू डिफाइन द डायरेक्शन, सो इन द गिवन डायरेक्शन द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इज सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट, क्लियर है? सो दिस इज व्हाट वी हैव, होमोजीनियस मटेरियल। अब मैंने कहा सर वाई डायरेक्शन की बात करते हैं, तो मैंने कहा कि वाई डायरेक्शन में कोई सा भी आप पॉइंट पकड़ो, इसकी प्रॉपर्टी के है सपोज, या जी है, वाई डायरेक्शन में इसकी प्रॉपर्टी जी है। तो आप कोई सा भी पॉइंट आप पकड़ लो, हर जगह, हर एक पॉइंट पे वाई डायरेक्शन में प्रॉपर्टी जी ही रहेगा। तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी जी हो गई, यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी वाई डायरेक्शन में जी हो गया। तो आप कोई सा भी पॉइंट पकड़ लो, आप सपोज यहाँ का भी कोई एक पॉइंट यदि आप पकड़ते हैं, जैसे ये पकड़ा, तो एक्स डायरेक्शन में प्रॉपर्टी ई रहेगा, और y डायरेक्शन में जैसे मैंने कहा g है, तो प्रॉपर्टी y डायरेक्शन में फिर आपका g हो जाएगा। अब मैं z डायरेक्शन की बात करूं, तो भैया इन द गिवन डायरेक्शन द प्रॉपर्टी सेम इन ऑल द डायरेक्शन, तो इन द प्रॉपर्टी इज सेम इन एट ऑल एट ईच एंड एवरी पॉइंट। तो जैसे मैं कह रहा हूं कि हमारा z डायरेक्शन में प्रॉपर्टी k है, तो अब आप कोई सा भी पॉइंट पकड़ो पूरे मटेरियल में, z डायरेक्शन में प्रॉपर्टी k ही दिखेगा। तो हमने यहां पर z डायरेक्शन में प्रॉपर्टी देखा k है, इधर भी हमने प्रॉपर्टी देखा के ही है, इधर भी प्रॉपर्टी हमने देखा के ही है। तो ऐसे मटेरियल, अब देखो मैं फाइनल डेफिनेशन बोल रहा हूं कि ऐसे मटेरियल जिनमें किसी गिवन डायरेक्शन में प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज सेम
एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऐसे मटेरियल आपके क्या कहलाएंगे, होमोजीनियस मटेरियल कहलाएंगे। तो आपका सॉइल कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, साथ ही साथ क्या बोल रहे हैं, आइसोट्रॉपिक भी होना चाहिए। अब आइसोट्रॉपिक का क्या मीनिंग होता है उसको समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आइसोट्रॉपिक का मीनिंग समझते हैं, आइसोट्रॉपिक का मीनिंग हम समझते हैं। मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास ये एक मटेरियल है, मान लेता हूँ इस तरीके से मेरे पास क्या है, एक मटेरियल है, ये आपके सपोज वाई डायरेक्शन है मटेरियल में, ये एक्स डायरेक्शन है मटेरियल में, और इधर आपका सपोज जेड डायरेक्शन होगा मटेरियल में, ऐसा मैं मान लेता हूँ, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि आपका आइसोट्रॉपिक मटेरियल है, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, मैं बोल रहा हूँ कि सपोज ये मेरा आइसोट्रॉपिक मटेरियल है, तो मुझे यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, मैं बता रहा हूँ क्या देखने को मिलेगा। आपको ये देखने को मिलेगा कि भैया आप कोई सा भी पॉइंट सिलेक्ट करो, मैंने ये कोई सा भी एक पॉइंट सिलेक्ट किया, इस पॉइंट पर हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होगा। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि आपके इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी आपका सपोज के वन है, तो इस जगह पर भी आपका प्रॉपर्टी क्या होगा, के वन ही होगा, इस जगह पर भी आपका प्रॉपर्टी क्या होगा, के वन ही होगा। मतलब आप कोई सा भी एक पॉइंट पकड़ो मटेरियल में, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हर डायरेक्शन में, इन ऑल द डायरेक्शन द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज सेम एट अ गिवन पॉइंट। यहाँ क्या बोल रहा हूँ मैं, एट अ गिवन पॉइंट द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन, दैट इज योर K1, 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 ऐसा मैंने लिख दिया। अब यदि मैं दूसरा कोई सा पॉइंट पकड़ूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई दूसरा पॉइंट पकड़ता हूँ, ये मैंने यहाँ पर कोई दूसरा पॉइंट पकड़ा, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ जो K1 प्रॉपर्टी थी वो भी यहाँ पर K1 रहे, अब यहाँ पर ये दूसरी प्रॉपर्टी हो सकता है, जैसे कि ये आपका K2 हो गया। अब यदि यहाँ पर प्रॉपर्टी पॉइंट पर K2 है, तो हर डायरेक्शन में K2 ही रहेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में भी इसकी प्रॉपर्टी K2 ही रहेगी, इधर के डायरेक्शन में भी इसकी प्रॉपर्टी K2 ही रहेगी, समझ रहे मेरी बात को। इन द सेम वे कोई और पॉइंट पकड़ो, ये मैंने एक पॉइंट पकड़ा, आप कोई सा भी पॉइंट पकड़ लो, मैंने ये पॉइंट पकड़ा, तो इधर मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉपर्टी K3 है, तो हर एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी इसका क्या होगा, K3 ही रहेगा, तो इसका प्रॉपर्टी फिर K3 ही रहेगा, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी आइसोट्रॉपिक की, आइसोट्रॉपिक की डेफिनेशन बनेगी कि एट अ गिवन पॉइंट इन द मटेरियल द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन, सच मटेरियल्स आर कॉल्ड आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स, क्लियर है। तो रेंकाइन सर ने क्या अजम्पशन लिया कि सॉइल आपकी होमोजीनियस भी होना चाहिए और आइसोट्रॉपिक भी होना चाहिए। तो यदि कोई मटेरियल ये भी है ये भी है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी हर एक पॉइंट पर, हर एक डायरेक्शन में, सब जगह यूनिफॉर्म है। भाई यदि मैं इसको और इसको ऐड कर दूं, मिक्स कर दूं, इसका क्या मतलब हुआ कि आप कोई सी भी डायरेक्शन पकड़ लो, कोई सा भी पॉइंट पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, हर जगह पर आपको सेम प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा, एकदम सेम प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। तो ऐसी यूनिफॉर्मिटी आपके सॉइल में होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर रेंकाइन सर ने ले रखा था। क्लियर है सभी को इतनी सी बात। तो ये था हमारा अजम्पशन वाला पार्ट रेंकाइन्स एनालिसिस में। आइए हम आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा आज का टॉपिक है, हमारा जो आज का टॉपिक है कि डिफरेंट केसेस की हमें स्टडी करना है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। आइए इधर, यहाँ पर अपन डिफरेंट केसेस की स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ले रहा हूँ केस नंबर 1। हम यहाँ पर केस नंबर 1 ले रहे हैं। केस नंबर 1 क्या है, केस नंबर 1 है नो वाटर टेबल, है ना। देखो अभी हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, कोहेजन लेस सॉइल के। मैं किसकी एनालिसिस पढ़ा रहा हूँ, रेंकाइन एनालिसिस पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हैं, आप समझ चुके हैं मेरी भाषा को, कि हम जो स्टडी कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल में कोहेजन लेस सॉइल के लिए करेंगे। आने वाले टाइम में हम फिर उस कोहेजिव सॉइल की भी पढ़ेंगे, क्योंकि रेंकाइन सर जो थे उन्होंने कोहेजन लेस सॉइल की स्टडी करी है, तो मैं भी आपको सबसे पहले कोहेजन लेस सॉइल का पढ़ा रहा हूँ। सो मैं लिख रहा हूँ नो वाटर टेबल इन कोहेजन लेस सॉइल, इन कोहेजन लेस सॉइल,
ये हमारा एक केस हुआ, केस नंबर वन। अब इसको समझते हैं जरा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, है ना। इसको समझते हैं अपन, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आसानी रहे आप लोगों के लिए। ओके, समझने में आप लोगों के लिए आसानी रहे। तो मैं लिख रहा हूँ नो वाटर टेबल इन कोहेजन लेस सॉइल। इसको समझते हैं। मैंने आप लोगों को कहा मैंने आप लोगों को कहा कि भैया ये हम लोगों का क्या है, एक ग्राउंड सरफेस, सॉरी ये हम लोगों का एक बैकफिल सॉइल है जिसको हम लोगों ने कुछ रिटेन करके रखा होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि हम लोगों का ये एक रिटेनिंग वॉल है ना, कोई भी एक रिटेनिंग स्ट्रक्चर है हम लोगों का जिसके अंदर हमने सॉइल को क्या करके रखा हुआ है, रिटेन करके रखा हुआ है, बराबर। मैं हाइट ऑफ द वॉल मान लेता हूँ हैच है, सो हैच इज द हाइट ऑफ द वॉल हो चुका है। यहाँ की सॉइल का जो यूनिट वेट है, अभी देखो क्या लिखा मैंने, नो वाटर टेबल, मतलब यहाँ की सॉइल में वाटर टेबल मौजूद नहीं है। तो यहाँ की सॉइल में यदि वाटर टेबल मौजूद नहीं है तो हो सकता है यहाँ की सॉइल ड्राई हो, या हो सकता है यहाँ की सॉइल जो हो वो पार्शियली सेचुरेटेड हो, क्योंकि बरसात वगैरह आता है ना, पानी आता है, रेनिंग होता है, तो कुछ अमाउंट का पानी अंदर वॉइड्स में मौजूद हो सकता है। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ये सॉइल कंप्लीटली ड्राई है यदि वाटर टेबल नहीं है तो, है ना। मैं मान लेता हूँ ये बल्ज कंडीशन में है। बल्ज कंडीशन में होने का मतलब क्या होता है, पार्शियली सेचुरेट होना। तो मैं मान लेता हूँ कि सॉइल सपोज आपकी पार्शियली सेचुरेटेड है, ऐसा मैंने यहाँ पर मान लिया सपोज। तो आप बताइए यहाँ पर आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। मैंने कहा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखना है तो वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। तो इफेक्टिव स्ट्रेस इसका ऐसा बनता है ट्रायंगुलर, मैं आपको पढ़ाया हूँ ऐसी चीज, मैं आपको ये चीज पढ़ाया हूँ। इफेक्टिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ट्रायंगुलर। यहाँ पर कितना इफेक्टिव स्ट्रेस आ रहा है, तो गामा इंटू एच का इफेक्टिव स्ट्रेस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, गामा इंटू एच का। क्योंकि पोर वाटर प्रेशर तो आ ही नहीं रहा है यहाँ पर, क्योंकि वाटर टेबल मौजूद नहीं है, तो आपका जो टोटल स्ट्रेस है वही आपका इफेक्टिव स्ट्रेस बन चुका है। ये ट्रायंगल का जो वैल्यू है, जो हाइट है, वो गामा एच आ रहा है, बराबर है। यहाँ तक कि कोई डाउट नहीं है। अब आप देखिए मैं आपको क्या पढ़ाया था, मैं आप लोगों को पढ़ाया था कि आपका जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर होता है सिग्मा एच, वो होता है के टाइम्स ऑफ वर्टिकल स्ट्रेस, ऐसा मैं आप लोगों को पढ़ाया था। अब यहाँ पर आपका हॉरिजॉन्टल क्या है, अब देखो अब ये हॉरिजॉन्टल या तो आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर हो सकता है, या तो पैसिव अर्थ प्रेशर हो सकता है, या अर्थ प्रेशर ट्रेस्ट हो सकता है क्या बोल रहा हूँ मैं, या तो ये अर्थ प्रेशर ट्रेस्ट हो सकता है, या फिर एक्टिव अर्थ प्रेशर हो सकता है, या पैसिव अर्थ प्रेशर हो सकता है। आप कुछ भी ले लिए, सबके लिए सेम एनालिसिस में पढ़ाना वाला रहूंगा, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, सबके लिए सेम केसेस रहेंगे। आप कुछ भी ले लो, एक्टिव ले लो, पैसिव ले लो। तो मैं काम करता हूँ एक्टिव ले लेता हूँ, लेकिन यदि पैसिव आ गया तो सिर्फ मुझे क्या करना है, के की जगह केपी रखना है। भाई मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो सपोज आपको के लेकर पढ़ा रहा हूँ, एक्टिव स्टेज के लिए पढ़ा लेता हूँ। यदि क्वेश्चन पैसिव स्टेज के लिए आ गया तो क्या करूंगा, जहां जहां पर के लिखा हुआ है उसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, उसकी जगह पर मैं केपी लिख दूंगा, बात खत्म हो जाएगी, क्लियर है। या फिर अर्थ प्रेशर ट्रेस्ट आ गया तो केपी की जगह मैं के नॉट लिख दूंगा, बात खत्म हो जाएगी, समझ गए। तो सिर्फ आपको कोफिशिएंट चेंज करना होगा, अदर एनालिसिस विल बी एग्जैक्टली सेम इन कोहेजन लेस सॉइल स्पेशली। किसकी बात कर रहा हूँ, कोहेजन लेस सॉइल में मैं ये बात कर रहा था। यहाँ तक की चीज समझ में आ गई आपको, यस सर इतनी बात मुझे समझ में आ गई। मैंने कहा ठीक है बेटा, यहाँ तक की बात हमें समझ में आ चुकी है, ये आपका गामा हुआ था। तो मैं एक्टिव की बात कर लेता हूँ, एक्टिव की। तो देखो आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर कितना हो गया, एक्टिव अर्थ प्रेशर के की जगह मैं क्या लिखूंगा, एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशियंट के लिखूंगा। तो वर्टिकल स्ट्रेस कितना आ रहा है मेरे पास, गामा एच बेस पर पाइल, शीट पाइल कह दो या रिटेनिंग वॉल कह दो, इसके बेस पर कितना आ रहा है गामा एच। तो यहाँ पर अपन ने गामा एच का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, के गामा एच आ गया, या आपका क्या आ गया, एक्टिव अर्थ प्रेशर आ गया। तो देखो ये मैं किसका बनाया हूँ डायग्राम, एक्टिव अर्थ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम बनाना है मुझे, तो मैंने इसके अंदर के का मल्टीप्लाई कर दिया। तो के गामा एच ये एक्टिव अर्थ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने है। ये क्या बन चुका है, एक्टिव अर्थ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बन चुका है। ये कैसा प्रेशर लगा रहा है, हॉरिजॉन्टल प्रेशर लगा रहा है।
ये वैल्यू किसकी है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है ये वैल्यू, लेकिन मुझे फोर्स चाहिए। सर ये तो प्रेशर है, मुझे फोर्स चाहिए। मैंने कहा ठीक है फोर्स बता देता हूँ। फोर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इसका एरिया ले लो, आपको फोर्स मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो एक्टिव अर्थ फोर्स एफ ए कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो पी ए लिखूंगा मतलब एक्टिव अर्थ प्रेशर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रहेगा, और ये एक्टिव अर्थ फोर्स एफ ए मतलब एक्टिव अर्थ फोर्स है किलो न्यूटन पर मीटर में रहेगा। यूडीएल निकाल रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इसका, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ। बेस कितना है, के गामा एच, और हाइट कितनी है अपने पास में, हाइट है एच। तो यहां पर एच और एच मल्टीप्लाई होकर एच स्क्वायर हो गया, तो हमारे पास एक्टिव अर्थ फोर्स कितना आ गया, हाफ के गामा एच स्क्वायर। ये हमारे पास एक्टिव अर्थ फोर्स की वैल्यू आ चुकी है ना, एक्टिव अर्थ फोर्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। इसका यूनिट कितना बन रहा है, इसका जो यूनिट बन रहा है वो किलो न्यूटन पर मीटर में बन रहा है यूडीएल में, ठीक है। और इसकी लोकेशन बता सकते हैं क्या, इसकी लोकेशन क्या होगी सर, भाई आपको पता होना चाहिए इसकी लोकेशन क्या रहेगी। तो इसकी जो लोकेशन होगी है ना, इसकी जो लोकेशन होगी वो कहाँ पर लग रहा होगा, तो मैं बोल रहा हूँ आपका ये जो एक्टिव अर्थ फोर्स है ये किलो न्यूटन पर मीटर में यहाँ पर लग रहा है, यह है आपका एफ ए। तो आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल लिया है तो उसका सी जी पे लगेगा, तो ये एफ ए की लोकेशन क्या हो गई, एच बाई थ्री। बेस से कितने ऊपर लग रहा है, बेस से एच बाई थ्री डिस्टेंस पर ये लग रहा है, सो एच बाई थ्री डिस्टेंस पर ये इसकी लोकेशन आ चुकी है एफ ए फोर्स की, क्लियर है। तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि न्यूटन पर मीटर में निकला है एट एच बाई थ्री फ्रॉम बेस, क्या लिखेंगे, फ्रॉम द बेस, बेस से h बाई थ्री डिस्टेंस पर हमें ये चीज देखने को मिल रही होगी, ओके चलिए यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, ये था मेरा केस नंबर वन, ये क्या था, केस नंबर वन था। अच्छा सर हम इसको इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं कि ये कैसा लग रहा होगा किलो न्यूटन पर मीटर में, ये तो एक फोर्स है ना सर, पॉइंट लोड किलो न्यूटन में होना चाहिए ना। मैं बोल रहा हूँ भाई ये कोई पॉइंट फोर्स नहीं है, ये आपका यूडीएल है किलो न्यूटन पर मीटर में, ये आपका यूडीएल है किलो न्यूटन पर मीटर में। जैसे कि मैं कहूँ ये मेरी वॉल है, तो देखो वॉल कैसी दिख रही होगी आपको, एक रफ फिगर 3D में बना के बता रहा हूँ, ये आपकी एक वॉल है थ्री डायमेंशन। यदि एनालिसिस देखूँ मैं इसकी, तो इस तरीके से वॉल दिख रही होगी मुझे, इस तरीके से वॉल होगी। इस वॉल ने इधर साइड पूरा ये सॉइल क्या करके रखा हुआ है, रिटेन करके रखा है, तो सॉइल इस पर क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। तो देखो इस पर प्रेशर लग गया, यूडीएल क्या लग गया, प्रेशर लग गया पूरा यूडीएल शुरू से लेकर आखिरी तक। कितनी हाइट पर लगा, तो मैं बोल रहा हूँ टोटल हाइट वॉल की कितनी थी, एच थी, तो बेस से एच बाय थ्री डिस्टेंस पर हमारे पास यूडीएल लग चुका है सॉइल के द्वारा। ये देखो मैंने यहाँ पर शो कर दिया किलो न्यूटन पर मीटर में, समझ में आ गया मेरी बात। तो इस तरीके से फोर्स लगता है, एक्टिव अर्थ फोर्स जो मैंने आपको निकाल के बताया, खत्म। अब यदि क्वेश्चन आ जाए सर मेरे पास, मैं आपने तो सर मुझे एक्टिव अर्थ फोर्स निकाल के दिया, सर क्वेश्चन में यदि पैसिव अर्थ फोर्स पूछा है तो फिर मैं क्या करूँगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, इस के ए की जगह के पी लिखना है बस, आपको क्या करना है, के ए की जगह क्या लिखना है, के पी लिखना है बस, क्लियर है यहाँ तक की बात। आइए आगे बढ़ते हैं केस नंबर टू की तरफ, अभी केस नंबर वन मैंने क्या लिया था, नो वाटर टेबल, कि वाटर टेबल मौजूद नहीं है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि वाटर टेबल मौजूद है, कहाँ पर मौजूद है, एकदम टॉप सरफेस पर, आपका जो बैकफिल सॉइल है वो फुल्ली सबमर्ज्ड है। मैंने कहा ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा बैकफिल सॉइल इज फुल्ली सबमर्ज्ड, बैकफिल सॉइल, बैकफिल सॉइल इज फुल्ली सबमर्ज्ड है। मैंने कहा ठीक है, सर ना आ रही इतनी सी बात,
मैंने कहा बैकफिल सॉइल जो है वो पूरी तरीके से फुल्ली सबमर्ज्ड है। तो अपन ने यहाँ पर ये वॉल ले रखा है, मान लेते हैं ये हमारा एक रिटेनिंग वॉल है कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से अपने पास में एक रिटेनिंग वॉल है, इसने कोई बैकफिल सॉइल रिटेन करके रखा हुआ होगा कुछ इस तरीके से। सॉइल, बैकफिल सॉइल क्या है, पूरी तरीके से फुल्ली सबमर्ज्ड है, मतलब वाटर टेबल एकदम टॉप सरफेस ऑफ द बैकफिल पर मौजूद है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर हमारे पास हाइट ऑफ द वॉल कितना है, एच है, ऐसा मैंने यहाँ पर मान लिया। हाइट ऑफ द वॉल कितना है, एच है, ऐसा मैंने यहाँ पर मान लिया। अब यहाँ पर मैंने कहा कि भैया सबसे पहले आप लोग फोर्स इफेक्टिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। सॉइल का यूनिट वेट यहाँ पर गामा है, सपोज कैसा होगा, गामा सेचुरेट होगा। यहाँ पर सॉइल का यूनिट वेट कैसा होगा, गामा सेचुरेट होगा। क्यों, क्योंकि वाटर टेबल मौजूद है। तो आप पहले मुझे इफेक्टिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। मैंने कहा ठीक है बता देते हैं, आपका इफेक्टिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। कितनी वैल्यू आ जाएगी इफेक्टिव स्ट्रेस की, यहाँ पर गामा सेचुरेटेड इंटू एच, गामा सेचुरेटेड इंटू एच, ये तो टोटल स्ट्रेस आ गया। माइनस पोर वाटर प्रेशर करूंगा कितना, गामा डब्ल्यू इंटू एच का, तो गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, गामा सबमर्ज एच, ये मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस यहाँ पर निकल कर आया। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, गामा सबमर्ज एच इफेक्टिव स्ट्रेस मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया। समझने वाली बात यह है कि ये मेरा क्या आ चुका है, वर्टिकल स्ट्रेस आ चुका है। ये मेरा क्या आया, ये मेरा वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आया। अब इस वर्टिकल स्ट्रेस को मुझे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूँ, कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर दूँ। भाई ये मेरा क्या था, वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन था, इसको मुझे हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना था, तो मैंने उसमें के ए का मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो वर्टिकल था पहले वो अब हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही होता है, ऐसे तो करते हैं, सिग्मा एच इज इक्वल टू क्या करते हैं, के इंटू सिग्मा भी करते हैं, दोनों इफेक्टिव भी हो सकते हैं वॉटर टेबल मौजूद होने पर। तो पहले मेरे पास वर्टिकल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बनाया, उसके अंदर मैंने के का मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये हॉरिजॉन्टल के लिए बन चुका है। तो मैंने कहा ठीक है सर, इतनी बात मैंने पूरे दिमाग में बैठ चुकी है। अब ये तो आपका क्या हुआ, के गामा सबमर्ज एच, ये मेरा क्या हुआ, ये हुआ मेरा जियो स्टेटिक कंडीशन। आप चाहें तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये मेरा क्या हुआ, जियो स्टेटिक कंडीशन मेरे देखने को मिला। आप लोगों को ध्यान होगा, कल मैंने आपको दो, जब मैंने आपको ये लेक्चर स्टार्ट किया था कल वाला, जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था लेटरल अर्थ प्रेशर एनालिसिस, तभी मैंने आपको दो चीज़ें पढ़ाई थी एकदम शुरुआत में। मैंने कल आपको दो चीज़ें पढ़ाई थी, एक पढ़ाई थी मैंने जियो स्टेटिक कंडीशन और दूसरी मैंने आपको पढ़ाई थी हाइड्रो स्टेटिक कंडीशन। तो आपने यहाँ पर जियो स्टेटिक कंडीशन ले लिया, आपको अब वाटर टेबल मौजूद है तो हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन भी लेना पड़ेगा। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन भी लेना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर आपने यहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन क्यों नहीं लिया, क्योंकि भैया यहाँ पे वाटर टेबल ही नहीं था, यहाँ पर सिर्फ मैंने जियोस्टेटिक कंडीशन ले रखा है, हाइड्रोस्टेटिक नहीं लिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वाटर टेबल ही नहीं था। चूंकि यहाँ पर वाटर टेबल आया है तो मैं जियोस्टेटिक कंडीशन भी लूंगा और हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन भी लूंगा। ताइए हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन की अपन बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया आप लोगों का हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन, तो हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, गामा डब्ल्यू इंटू एच। भाई पानी के कारण कैसा प्रेशर लगेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मैं आपको बताया था गामा डब्ल्यू इंटू एच का लगेगा, कितना लगेगा, गामा डब्ल्यू इंटू एच। तो अपन ने लगा दिया गामा डब्ल्यू इंटू एच का, ये आपका हॉरिजॉन्टल में भी लग रहा है, वर्टिकल में भी लग रहा है, सब डायरेक्शन में लग रहा है। क्यों, क्योंकि मैं आपको कल ही पढ़ाया था कि हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन में वाटर एग्जर्ट द प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। यहाँ पर क्या होता है, सिग्मा एच ही सिग्मा वी के बराबर होता है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जियोस्टेटिक में सिग्मा एच के टाइम्स ऑफ सिग्मा वी होता है। तो जब भी वाटर टेबल हो आपको हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन लेना पड़ेगी, तो ये हॉरिजॉन्टल लग रहा है ऐसा मैं मान रहा हूँ, यही वर्टिकल भी लगता है, वाटर एग्जर्ट द प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ऐसा मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा था, क्लियर है इतनी सी बात, यस सर क्लियर है। तो मैं यदि आपसे कहूँ कि मेरे पास टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर कितना आ रहा है बेस ऑफ द वॉल पर, यदि मैं आपसे कहूँ कि इस वॉल के बेस पर यहाँ कहीं पर टोटल एक्टिव प्रेशर कितना आ रहा है, तो दिस प्लस दिस,
इतना आ रहा है, तो के गामा सबमर्ज इंटू एच प्लस गामा डब्ल्यू इंटू एच, ये टोटल मेरे पास एक्टिव अर्थ प्रेशर आ चुका है। मैं कहूँ सर मुझे एक्टिव अर्थ फोर्स बताओ, तो मैंने कहा ठीक है बेटा एक्टिव अर्थ फोर्स भी मैं बता देता हूँ। तो मैं मान लेता हूँ कि इस फिगर के कारण आपको एफ ए वन मिल रहा होगा एक्टिव अर्थ फोर्स, और इस फिगर के कारण एफ ए टू मिल रहा होगा एक्टिव अर्थ फोर्स। कैसे मिल रहा है? मैंने कहा ठीक है एक्टिव अर्थ फोर्स वन कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ले लो तो हाफ बेस और हाइट, बेस इंटू हाइट करूंगा तो यहाँ भी एच है और ये हाइट भी एच है तो एच स्क्वायर हो जाएगा। सो के गामा सबमर्ज इंटू एच स्क्वायर। समझ में आ रही मेरी बात? उसके बाद एफ ए वन हो गया। अब ये एफ ए वन की लोकेशन क्या है, एफ ए वन की लोकेशन क्या है? एफ ए वन जो लग रहा है ये आप लोगों का बेस से एच बाई थ्री पर लगेगा, क्योंकि ये ट्राइंगल है तो बेस से एच बाई थ्री पर लग जाएगा। सो दिस डिस्टेंस इज योर एच बाई थ्री, ठीक है? तो यहां पर मैं लिख देता हूं एट एच बाई थ्री फ्रॉम द बेस, ठीक है? फिर एफ ए टू की मैं बात करूं, एफ ए टू इसका एरिया कितना आ रहा है, इसका एरिया ले लो हाफ बेस है गामा डब्ल्यू इंटू एच और हाइट का एच का मल्टीप्लाई करूंगा तो एच और एच स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हाफ गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर, ये भी आपका क्या आ गया है एफ ए टू एक्टिव अर्थ फोर्स आ चुका है। इसकी लोकेशन क्या है, ये भी बेस से एच बाई थ्री डिस्टेंस पर लग रहा होगा, सो दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो योर सेम दैट इज एच बाय थ्री। तो यहाँ पर अपने पास कितनी लोकेशन पे आ गया, मैं लिख देता हूँ एट एच बाय थ्री फ्रॉम द बेस, एट एच बाय थ्री फ्रॉम द बेस होगा। क्लियर है मेरी यहाँ तक की बात? यस सर, यहाँ तक की बात क्लियर है। यदि एच बाय थ्री फ्रॉम द बेस है मुझे तो क्या निकालना है, टोटल एक्टिव अर्थ फोर्स, तो एफ ए वन प्लस एफ ए टू आप कर सकते हैं। सो टोटल एक्टिव अर्थ फोर्स विल बी योर एफ ए वन प्लस एफ ए टू। क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि टोटल एक्टिव अर्थ फोर्स निकालो, तो आप एफ ए वन और एफ ए टू को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यही आपका आंसर बन जाएगा। इसकी यूनिट क्या रहेगी सर, डेफिनेटली किलो न्यूटन पर मीटर में ही रहेगा, ये भी इसमें रहेगा किलो न्यूटन पर मीटर में ही रहेगा। सर ये जो टोटल फोर्स निकाला है इसकी लोकेशन क्या होगी, जैसे मैंने आपको एफ ए वन की लोकेशन बताया कि बेस से एच बाई थ्री पर लगेगा, एफ ए टू की लोकेशन बताया कि ये भी बेस से एच बाई थ्री पर लगेगा, तो दोनों फोर्स सेम लेवल पर लग रहे हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे और आपका जो टोटल फोर्स है इसको अपन रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे, या आपका क्या कहलाएगा, टोटल फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगा। इसकी लोकेशन क्या होगी, चूंकि दोनों एच बाई थ्री पर लग रहे हैं तो आपका ये भी किस पर लगेगा, एच बाई थ्री पर ही लगेगा। सो मैं लिखता हूँ एट एच बाई थ्री, एट एच बाई थ्री फ्रॉम दी बेस पर ही देखने को मिलेगा हमें। समझ में आ गई मेरी वित्तीय सी बात? तो ये हम लोगों का यहाँ पर इतना सा काम खत्म होता है। तो मैंने दो केसेस आपको बता दिए, अभी दो केस और बाकी है। अभी मैंने आप लोगों को सिर्फ दो केसेस बताए, केस नंबर वन केस नंबर टू, अभी दो केसेस और बाकी है ना। एक बार मैं कैमरा घुमा देता हूँ, अभी तक हम लोगों ने कितना रीड कर लिया है, मतलब कितना पढ़ चुके हैं। देखो अजम्पशन देखे सबसे पहले हम लोगों ने, है ना, हर एक अजम्पशन को डिटेल में समझा हम लोगों ने। उसके बाद है ना रैंकाइंस एनालिसिस सिर्फ कोहेजन लेस सॉइल में है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद होमोजेनियस और आइसोट्रॉपिक का हमने मीनिंग समझा कि कब कौन सा मटेरियल आइसोट्रॉपिक होता है, कब कौन सा मटेरियल को होमोजेनियस बोलते हैं। उसके बाद मैंने केस नंबर वन देखा कि वाटर टेबल मौजूद नहीं है, फिर मैंने केस नंबर टू देखा जब वाटर टेबल मौजूद है। तो मैंने देखा जब केस नंबर वन था वाटर टेबल मौजूद नहीं था तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जियोस्टेटिक कंडीशन लगाया, जबकि वाटर टेबल होने पर हम जियोस्टेटिक और हाइड्रोस्टेटिक दोनों कंडीशंस लगाते हैं। क्लियर है मेरी इतनी सी बात? यस सर, यहाँ तक की पूरी बात क्लियर है। तो जरा आप इसको नोट कर लो, मैं जब तक बोर्ड नंबर वन क्या कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ, तब तक आपके पास टाइम है, आपको दो काम करना है। पहला आप इसको नोट करेंगे और दूसरा एक बार जल्दी से वो शेयर करेंगे। 300 क्रॉस करवाओ जरा जल्दी से, 300 लोगों को क्रॉस कराओ। 292 लोग अभी देख रहे हैं ना, 290 लोग करीब करीब देख रहे हैं, जरा सभी को क्रॉस कराओ, 300 क्रॉस करना चाहिए। शेयर करो और बोल दो सेशन चालू हो गया भैया, जब तक मैं बोर्ड नंबर वन रब कर देता हूँ।
मैं भी जरा एक जगह एक बार शेयर कर देता हूँ, पानी वानी पी लेते हैं जब तक, और फिर मैं वापस आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसके आगे का मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। हाँ चलो आगे बढ़े क्या अपन? चलिए आगे बढ़ते हैं। बोर्ड नंबर वन मैंने रब कर दिया है, पानी वानी पी लेते हैं जल्दी से। आप लोग भी लेके बैठे होंगे, थोड़ा सा पानी वानी पीते रहना चाहिए बीच बीच में, क्योंकि आज तो आप नोट भी कर रहे होंगे जल्दी जल्दी से। सौ लोग को क्रॉस कराओ जरा जल्दी से। 300, 290 है अभी। दो सौ नब्बे है, 300 करवाओ जल्दी से, शेयर मारो सब जगह आपके ग्रुप वगैरह में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, हम नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस क्या अपने पास में? नेक्स्ट केस है हमारे पास केस नंबर 3। नेक्स्ट केस क्या है अपने पास में? केस नंबर 3 है, ठीक है? नेक्स्ट केस क्या है? केस नंबर 3। थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा। केस नंबर 3 हम लोग देखते हैं। केस नंबर 3 में क्या मिलेगा कि अब जो आपका बैकफिल था, आपका जो नेक्स्ट केस है वो है केस नंबर 3, और वो ये है जो आपका बैकफिल था उस पर सरचार्ज लग रहा है। उस पर क्या लग रहा है? पहला केस देखा कि नो वाटर टेबल, दूसरा देखा वाटर टेबल प्रेजेंट है, तीसरा देख रहा हूं वो जो बैकफिल था ना उस पर सरचार्ज मौजूद है। इस बार क्या करेंगे आइए समझते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा बैकफिल इज सब्जेक्टेड टू सरचार्ज, बैकफिल इज सब्जेक्टेड टू सरचार्ज, ठीक है? बैकफिल पर क्या लग रहा है? सरचार्ज लग रहा है। यदि बैकफिल पर सरचार्ज लग रहा है तो उसको हम कैसे देखेंगे, आइए हम इसको समझते हैं। मैंने कहा, मैंने मान लिया कि सपोज हमारे पास एक वॉल है, हमारे पास क्या है, एक वॉल है कुछ इस तरीके से, ठीक है? इस वॉल की हाइट अपन मान लेते हैं सपोज h होगी। इसने एक बैकफिल रिटेन करके रखा हुआ है। इस बैकफिल पर क्या लग रहा है? एक यूनिफॉर्म सरचार्ज लग रहा है। अब देखो सरचार्ज लगने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सरचार्ज लगना मतलब कोई एडिशनल प्रेशर लगना, सरचार्ज लगना मतलब कोई एक एडिशनल प्रेशर लगना। जैसे कि यहाँ पर आपने पेवमेंट बना दिया होगा, हो सकता है आपने यहाँ पर कोई पेवमेंट बना रखा है उसका सरचार्ज हो सकता है यहाँ पर बैकफिल सॉइल के ऊपर आपने एडिशनल लेयर ऑफ सॉइल डाल रखी हो, एडिशनल लेयर ऑफ सॉइल डाल रखी हो, दैट विल बी एक्टिंग एज अ सरचार्ज। तो सरचार्ज लगने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो मुझे कारण जानने में इंटरेस्टेड नहीं है, मुझे ये जानने में इंटरेस्टेड है कि इसकी वैल्यू कितनी लग रही है। तो मुझे पता चला कि जो वैल्यू लग रही है वो क्यू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लग रहा होगा। मैंने कहा ठीक है, यहाँ की सॉइल का यूनिट वेट सपोज गामा है तो इसका इफेक्टिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ सबसे पहले। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, कितना बन जाएगा? अभी तो वाटर टेबल यहाँ पर मौजूद नहीं है, सपोज अभी सपोज फिलहाल में सपोज मैंने यहाँ पर वाटर टेबल नहीं ले रखा है तो ये कितना बनेगा? गामा जो कि यहाँ का यूनिट वेट है सॉइल का, और एच। तो
गामा इंटू एच, ये क्या आ गया आपका वर्टिकल स्ट्रेस आ गया। वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना है तो किसका मल्टीप्लाई कर दूं, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर का, तो ये आपका क्या आ गया हॉरिजॉन्टल प्रेशर इतना लग रहा होगा इस वॉल पे। तो ये अपन ने सॉइल के कारण देख लिया, ये अपन ने सॉइल के कारण देख लिया। अब इस सॉइल पर क्या लग रहा है, ये एक सरचार्ज लग रहा है जो कि यूनिफॉर्म सरचार्ज है। तो भाई यूनिफॉर्म है मतलब यहाँ देखो यहाँ पर वैल्यू कितनी है क्यू, यहाँ पर वैल्यू कितना है क्यू, यहाँ पर वैल्यू क्यू, यहाँ पर वैल्यू क्यू, यहाँ पर वैल्यू क्यू, यहाँ पर भी वैल्यू क्यू। तो पूरे डेप्थ पर इसका वैल्यू क्या बना हुआ है, कॉन्स्टेंट बना हुआ है। पूरी डेप्थ पर इसका जो वैल्यू है वो क्या बना हुआ है, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू बना हुआ है। तो यहाँ पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आ रहा है, रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन मुझे कैसा देखने को मिल रहा है, रेक्टेंगुलर, कितनी वैल्यू के साथ में, क्यू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के साथ में। ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, वर्टिकल स्ट्रेस है। ये कैसा है, ऊपर से लग रहा है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना है तो किसका मल्टीप्लाई कर दूं, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर का, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये भी एक्टिव अर्थ प्रेशर दे रहा है, ये भी एक्टिव अर्थ प्रेशर दे रहा है, तो ये हमारा टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर निकल कर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो देखिए अभी मैं मान लेता हूं, यदि आप मुझसे पूछे कि टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर कितना लग रहा है बेस पर, तो बेस पर तो आपका कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम, दैट इज के गामा एच प्लस यहां पर कितना हो जाएगा के इंटू क्यू। ये आपका बेस पर एक्टिव अर्थ प्रेशर हमने टोटल निकाल दिया है ना, किस में निकला होगा, ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निकला होगा। लेकिन मैं तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स निकालने में इंटरेस्टेड हूँ, मैं क्या डिटरमाइन करने में इंटरेस्टेड हूँ, रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स अपन यहाँ पर कैसे निकालते हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए अपन बोल देते हैं, है ना, अपन ने मान लिया कि आपका फिगर वन के कारण क्या लग रहा है, एफ ए वन लग रहा होगा एक्टिव अर्थ फोर्स वन, और फिगर टू के कारण क्या लग रहा होगा, एफ ए टू लग रहा होगा, ऐसा अपन ने यहाँ पर बोल दिया। एफ ए वन बता सकते हो क्या कितना लग रहा होगा, बिल्कुल बता सकते हैं, एफ ए वन की वैल्यू हम बिल्कुल बता सकते हैं, कितनी हो जाएगी एफ ए वन, एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप क्या ले लो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हाफ, बेस कितना है के गामा एच है, और हाइट कितनी है वो भी एच है, तो एच का यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा तो वो एच और ये एच मिलके एच स्क्वायर हो गया, तो हाफ के गामा एच स्क्वायर। ये किस में है, किलो न्यूटन पर मीटर में है, ये किस में है, किलो न्यूटन पर मीटर में, ये लिखा हमने किलो न्यूटन पर मीटर में। अब ये लग कहां पर रहा है, मैं मान लेता हूं ये जो लग रहा है, मैं मान लेता हूं एट वाई वन फ्रॉम द बेस, फ्रॉम द बेस, बेस से वाई वन डिस्टेंस पर लग रहा होगा। तो देखो मैंने यहां पर शो कर दिया कि बेस से वाई वन डिस्टेंस पर आपका ये लग रहा होगा एफ ए वन। क्लियर इतनी बात, यस सर क्लियर है। एफ ए टू निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो एफ ए टू कितना आ रहा है, एफ ए टू आपका देख लो एरिया ऑफ दिस फिगर, जैसे मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल लेता था वैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ले सकता हूं, तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, तो के ए इंटू के क्यू इंटू क्या हो जाएगा एच, तो के इंटू क्यू इंटू एच, ये हमारा यहाँ पर कुछ इस तरीके से वैल्यू आ गया। ये भी किसमें निकला है, फोर्स निकला है किलोन्यूटन पर मीटर में, यूडीएल फोर्स, तो ये एफ ए टू का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास किलोन्यूटन पर मीटर में आ गया। इसकी लोकेशन क्या होगी, तो इसकी लोकेशन में मान लेता हूँ वाई टू पर है फ्रॉम द बेस, मैंने यहाँ पे मान ली इसकी लोकेशन कितनी है, मैंने मान ली कि इसकी लोकेशन वाई टू है फ्रॉम द बेस, तो ऐसा मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ एट वाई टू फ्रॉम द बेस, ऐसा मैंने यहाँ पर लिख दिया, समझ रहे हो मेरी बात इतनी से। तो मैंने एफ ए वन निकाल दिया जो कि वाई वन डिस्टेंस पर लग रहा था फ्रॉम द बेस, मैंने एफ ए टू निकाल दिया जो कि वाई टू डिस्टेंस पर लग रहा था फ्रॉम द बेस। मुझे टोटल फोर्स निकालने में इंटरेस्ट है सर, हमें तो क्या करना है, हमें तो सर टोटल फोर्स निकालने में इंटरेस्ट है, तो आपका जो रिजल्टेंट फोर्स है एफ ए वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम, एफ ए वन प्लस एफ ए टू, तो अपन ने टोटल फोर्स निकाल लिया एफ ए वन प्लस एफ ए टू, तो दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया,
तो एफ ए वन किस में था, किलो न्यूटन पर मीटर में, एफ ए टू किस में था, किलो न्यूटन पर मीटर में, तो हमारा ये जो टोटल फोर्स निकला है ये भी किस में निकलेगा, किलो न्यूटन पर मीटर में निकलेगा। सर एफ ए वन जो था वो वाई वन डिस्टेंस पर लग रहा था, एफ ए टू जो था वो वाई टू डिस्टेंस पर लग रहा था, आपका ये रिजल्टेंट जो है वो किधर लग रहा है, तो मैं मान लेता हूँ वाई बार डिस्टेंस पर लग रहा है। सो मैं मान लेता हूँ ये जो लग रहा है एट वाई बार डिस्टेंस पर लग रहा होगा फ्रॉम द बेस, एट वाई बार फ्रॉम द बेस। अब बात आती है ये वाई बार हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ये वाई बार हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे? तो देखो एकदम आसान तरीका बता रहा हूँ, वाई बार इक्वल टू, वाई बार का क्या फॉर्मूला, जैसे अपन लिखते हैं ना ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू डिवाइड में ए वन प्लस ए टू, ऐसा लिखते हैं अपन फॉर्मूला किसी भी चीज़ का सीजी निकालने में, किसी चीज़ का फोर्स का एक्शन निकालने में, लोकेशन निकालने में अपन करते हैं ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू डिवाइड में ए वन प्लस ए टू, यहाँ पर भी वैसे ही करना है, यहाँ पर भी आपको वैसा ही करना है। क्या करना है ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एफ ए वन वाई वन प्लस एफ ए टू वाई टू, ये लिखा मैंने एफ ए वन वाई वन प्लस एफ ए टू वाई टू, ऐसा लिख दिया अपन ने, डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में एफ ए वन प्लस एफ ए टू, ये अपन ने लिख दिया डिवाइड में एफ ए वन प्लस एफ ए टू, अपन ने इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया, तो ये हमें क्या मिल गया, वाई बार मिल चुका है, ये हमें यहाँ पर क्या मिल गया, ये हमें वाई बार निकालने का फॉर्मूला मिल गया, मीटर में मिल गया होगा, मीटर में या एमएम में या सेंटीमीटर में। कंडीशन आती है कि भैया वाई वन और वाई टू क्या है, देखो मेरे पास एफ वन एफ ए वन की भी वैल्यू है, मेरे पास एफ ए टू की भी वैल्यू है, तो यहाँ पर पुट करने के लिए सिर्फ मुझे क्या चाहिए, वाई वन और वाई टू चाहिए, तो एकदम आसान है। देखो वाई वन की वैल्यू क्या होगी, वाई वन की वैल्यू क्या होगी बता सकते हैं क्या, और वाई टू की वैल्यू क्या होगी बता सकते हैं क्या, एक बार सभी लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे y1 की वैल्यू कितनी होगी, y2 की वैल्यू कितनी होगी, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, जब तक मैं बोर्ड नंबर 2 रब कर रहा हूँ, अभी मैंने बोर्ड नंबर 1 रब किया था थोड़ी देर पहले, अभी मैं बोर्ड नंबर 2 रब कर रहा हूँ। जरा फूर्ति से सबके साथ में शेयर करो यार, चार लोगों को शेयर कर दो 300 का आंकड़ा टच हो जाएगा, 300 तक पहुँचने में सिर्फ चार पाँच लोगों को और कनेक्ट करो फूर्ति से, चलो कमेंट करके बताओ y1 और y2 की वैल्यू क्या होगी जब तक मैं बोर्ड रब कर रहा हूं। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, सब लोग एकदम अच्छे से आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सबने सही आंसर दिया है ना, तारीफ लायक काम है आप लोगों का। ट्राइंगल का जो सीजी है बेस से कितने पर आ जाएगा, एच बाय थ्री पर, तो वाई वन की वैल्यू ऑफ एच बाय थ्री रख देंगे, और वाई टू क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो इसका सीजी कहाँ पर आएगा, एग्जैक्टली हाफ पर आता है, मतलब हाइट का हाफ हो जाएगा h बाय टू पर, h बाय टू पर। तो बस अब हमें सब कुछ पता है, यहाँ पर पुट करेंगे y बार की लोकेशन पता हो जाएगी, तो y बार वो लोकेशन है जहाँ पर आपका रिजल्टेंट फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पर क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर में। तो ये हमारा थर्ड केस हुआ जब बैकफिल में क्या हुआ, सरचार्ज मौजूद था तब, क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ, मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ, और वो नेक्स्ट केस क्या है आप लोगों का, देखो पहला केस बताया कि वाटर टेबल नहीं था, दूसरा टेबल फर्स्ट केस मैंने बताया जब वाटर टेबल नहीं था, दूसरा केस मैंने बताया जब वाटर टेबल था लेकिन कहाँ पर था, टॉप सरफेस पर था, तीसरा केस मैं बता रहा हूँ सरचार्ज का, चौथा केस मैं आपको बता रहा हूँ कि वाटर टेबल है लेकिन किसी डेप्थ पर मौजूद है,
क्या है मेरा चौथा केस, वाटर टेबल है बैकफिल में लेकिन किसी पर्टिकुलर डेप्थ पर मौजूद है, तो यहाँ पर कैसे काम करेगा आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर या पैसिव अर्थ प्रेशर, उसकी बात करते हैं अपन। ठीक है, तो आइए हम डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पर अपन डिटरमाइन कर रहे हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर या पैसिव अर्थ प्रेशर के बारे में जब वाटर टेबल किसी डेप्थ पर हो तब। तो केस नंबर क्या ले रहा हूँ, केस नंबर कौन सा है अभी, ये केस तीन हो गए ना, तो केस चौथा, केस नंबर फोर हम यहाँ पर ले रहे हैं। और केस नंबर फोर क्या है, व्हेन वाटर टेबल एट एनी डेप्थ, व्हेन वाटर टेबल एट एनी डेप्थ या इज एट एनी डेप्थ ना, वाटर टेबल एट एनी डेप्थ, ठीक है, किसी डेप्थ पर मौजूद है बैकफिल सॉइल के अंदर, तब क्या करोगे, ठीक है, तब क्या करोगे। मैंने कहा ठीक है सर, यदि वाटर टेबल किसी डेप्थ पर मौजूद है तो मैं देखो मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर देखते हैं सभी लोग एकदम मस्त टाइप से समझना क्या बताना चाह रहा हूँ। ये आपकी मैं मान लेता हूँ कोई वॉल है ना, पहले अपन मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, कोई एक वॉल है कुछ इस तरीके से, रिटेनिंग वॉल है या कोई शीट पाइल है। यहाँ पर हमने क्या कहा, हमने आपको ये कहा किसकी हाइट एज है सपोज, और उसने बैकफिल सॉइल को कुछ इस तरीके से रिटेन करके रखा है। यहाँ पर किसी डेप्थ पर जाने के बाद मुझे वाटर टेबल की लोकेशन देखने को मिल रही है। इसका क्या मतलब हुआ, मैं बोल रहा हूँ कि H1 हाइट तक हमारे पास जो सॉइल है वो या तो पार्शियली सेचुरेटेड है या फिर ड्राई है, और H2 हाइट तक हमारी सॉइल क्या है, फुल्ली सेचुरेटेड है। ऐसा यही मीनिंग होता है। क्या बोल रहा हूँ मैं आपको साफ तौर पर बोल रहा हूँ कि मेरा जो वाटर टेबल है वो किसी डेप्थ H1 पर मौजूद है, बैकफिल से H1 डेप्थ पर वाटर टेबल मौजूद है, तो यहाँ की सॉइल कैसी होगी, या तो ड्राई होगी या फिर पार्शियली सेचुरेट हो सकती है, बल्क कंडीशन में हो सकती है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ की सॉइल बल्क कंडीशन में है, क्वेश्चन में यदि ड्राई दे दिया जाए तो ड्राई सॉइल लगा देना, ठीक है, और नीचे कैसी है, फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल है। ऐसा कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, है ना, ये कंडीशन कई बार क्वेश्चन में गेट में पूछी गई है और ESC में तो बहुत बार पूछी गई है। तो आइए हम इसको समझते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि हमारे पास जो सॉइल है ये एक गामा है, और यहाँ की कैसे है, यहाँ की गामा सेचुरेट है। क्लियर, खत्म इतनी सी बात। आइए हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। मैंने कहा कि सबसे पहले अपन फर्स्ट लेयर की बात कर लेते हैं। यहाँ की बात कर लेते हैं, क्या है इसमें। यहाँ पर हमने देखा कि भैया इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हमारा, इसको मैं क्या कहूँगा, इसको अपन को पूरे को फर्स्ट लेयर कहेंगे, इसको पूरे को अपन सेकंड लेयर बोल देंगे। अब यहाँ भी सॉइल सेम है, यहाँ भी सॉइल सेम है, देखो सॉइल में कोई चेंज नहीं हुआ है ना, सॉइल यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, सिर्फ डिफरेंस कितना है कि यहाँ की सॉइल या तो ड्राई है या पार्शियली सेचुरेटेड है, और यहाँ की सॉइल फुल्ली सेचुरेटेड है, क्योंकि इस डेप्थ पर वाटर टेबल मौजूद था इसलिए। बाकी सॉइल यदि यहाँ पर सैंड है तो यहाँ भी सैंड ही है, दोनों की क्वालिटी सेम है, सब कुछ सेम है। जब दोनों का सब कुछ सेम है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर भी दोनों सॉइल में, मतलब दोनों जगह पर सेम होगा। तो अभी फिलहाल में इतना सोचो कि यहाँ पर मुझे इफेक्टिव स्ट्रेस कितने मिल रहे हैं, तो गामा इंटू H1 का इफेक्टिव स्ट्रेस मिला, यहाँ पर मिला। चूंकि ये वर्टिकल है तो उसको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने KA से मल्टीप्लाई कर दिया। बात खत्म हो गई, अरे बात खत्म हो गई सर, मैंने कहा सही है भाई बात खत्म हो गई, अब आगे बढ़ते हैं, है ना, बात यहाँ पर अपनी खत्म हो गई, अपन आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा अब जो फर्स्ट लेयर है ये पूरा की पूरा फर्स्ट लेयर एक सरचार्ज की तरह काम करेगा इस सेकंड लेयर के लिए। क्या बोल रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूं कि ये पूरा की पूरा फर्स्ट लेयर विल बी एक्टिंग एज अ सरचार्ज फॉर दिस सेकंड लेयर के लिए,
सरचार्ज का काम करेगा। मैंने कहा हाँ ये तो हो रहा है। तो देखो फर्स्ट लेयर का पूरे का वेट जो है वो सेकंड लेयर पर लग रहा है, तो फर्स्ट लेयर का वेट कितना है, तो आप देखो ना वेट कितना लग रहा है, गामा इंटू एच वन का, गामा इंटू एच वन किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर का ये सरचार्ज हो गया। भाई ये पूरी फर्स्ट लेयर विल बी एक्टिंग एज अ सरचार्ज फॉर दिस सेकंड लेयर। तो मैं मान लेता हूं कि सरचार्ज की वैल्यू क्यू है, जिसकी वैल्यू गामा इंटू एच वन के बराबर आ रही है, तो फर्स्ट लेयर इतना सरचार्ज दे रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को ये कंडीशन पढ़ाया सरचार्ज वाली, क्या कंडीशन पढ़ाया मैं आपको, कंडीशन पढ़ाया कि जब भी मेरे पास सरचार्ज होता है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आता है, रेक्टेंगुलर, है ना। तो आइए इसका डिस्ट्रीब्यूशन अपन कैसा बता रहे हैं, रेक्टेंगुलर बता रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखिए डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आ रहा है, इस सरचार्ज के कारण डिस्ट्रीब्यूशन कितना आ गया, रेक्टेंगुलर आ गया, बराबर बोल रहा हूँ। सरचार्ज की वैल्यू जितनी होती है उतने यहाँ पर भी आता है, मतलब गामा एच वन यदि यहाँ पर वैल्यू है तो यहाँ पर भी हमें कितना देखने को मिल रहा है, गामा एच वन, ये आपका वर्टिकल स्ट्रेस हो गया। हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना है तो के का मल्टीप्लाई कर दो, के का मल्टीप्लाई कर दिया, आप देखिए के गामा एच वन और यहाँ भी क्या है आपका के गामा एच वन, मतलब इस ट्रायंगल का विड्थ, क्या बोल रहा हूँ, इस ट्रायंगल का विड्थ, इस रेक्टेंगल का विड्थ इस ट्रायंगल के विड्थ के इक्वल है, इस रेक्टेंगल का विड्थ इस ट्रायंगल के विड्थ के इक्वल है। तो क्या इस फिगर को उठा के इसके नीचे ही बना दूं, क्या अच्छा लगेगा भाई, इस फिगर को उठा के इसके नीचे ही बना देता हूं तो देखने में अच्छा लगेगा, क्योंकि दोनों की विड्थ क्या है, इक्वल है। तो इसके नीचे ही मैंने यहां पर ये वाला फिगर इधर बना दिया रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है। तो इसकी भी विड्थ कितनी है, जितनी ट्रायंगल की थी, के गामा एच वन की, तो के गामा एच वन ऐसा अपन ने यहाँ पर बना दिया। तो अभी तक मैंने किसकी बात की, अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेयर की बात की, केवल केवल फर्स्ट लेयर की बात की, अभी तक मैंने सेकंड लेयर की कोई बात ही नहीं की। अभी तक हम लोगों ने सेकंड लेयर के बारे में कोई बात ही नहीं की, अभी तक सिर्फ मैंने फर्स्ट लेयर की बात की। पहले मैंने फर्स्ट लेयर का डिस्ट्रीब्यूशन बनाया और फिर फर्स्ट लेयर को एज अ सरचार्ज मानते हुए उसको सेकंड लेयर में ट्रांसफर कर दिया, अभी तक सिर्फ मैंने इतना काम किया। अब मैं सेकंड लेयर की बात करता हूँ। सेकंड लेयर में हम लगाते हैं हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, पहले बताओ ये रहा आपका इफेक्टिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, कितना हो जाएगा, गामा सेचुरेटेड इंटू एच टू, क्या लिखूंगा मैं, गामा सेचुरेटेड इंटू एच टू माइनस वाटर प्रेशर लगेगा क्योंकि वाटर टेबल है, तो गामा डब्ल्यू इंटू एच टू, तो दोनों में से एच टू कॉमन, गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज क्या बन चुका है, गामा सबमर्ज बन चुका है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, गामा सबमर्ज इंटू एच टू, बराबर बोल रहा हूँ, ऐसे लगेगा आपका इफेक्टिव स्ट्रेस गामा सबमर्ज इंटू एच टू का, चूंकि ये वर्टिकल है इसको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करो तो अपन ने के ए का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका सेकंड लेयर में आ गया। अब तक मैं किसकी बात किया, मैं अभी तक जियोस्टेटिक कंडीशन की बात किया, चूंकि यहाँ पर वाटर टेबल है तो हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन भी लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर अब अपन हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन भी ले लेते हैं। ये हम लोगों ने हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन भी कंसिडर कर दिया। हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन कितना लगेगा भैया, यहाँ का वाटर का जो यूनिट वेट है वो गामा डब्ल्यू और हाइट कितनी है एच टू, तो ये आपका एच टू, यही आपका वर्टिकल है, यही आपका हॉरिजॉन्टल भी है, क्योंकि हाइड्रोस्टेटिक में गामा एच ही आपका गामा वी के बराबर होता है, ऐसा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कल की क्लास में। क्लियर है मेरी इतने सी बात, यस सर क्लियर है, यस सर क्लियर है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या किया, मुझे तो सर एक्टिव फोर्स निकालने में इंटरेस्ट था, मुझे तो सर एक्टिव फोर्स निकालना है, रिजल्टेंट एक्टिव फोर्स, मैंने कहा एकदम आसान है भाई, एकदम आसान है, इसको मान लो ये आपका क्या है एफ ए वन, इसको मान लो ये आपका क्या है एफ ए टू, इसको मान लो ये आपका क्या है एफ ए थ्री, और इसको मान लो ये आपका क्या है एफ ए फोर है। हर एक फोर्स को निकालते जाओ, हर एक फोर्स को निकालते जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, सबसे पहले अपन एफ ए वन निकाल लेते हैं। एफ ए वन क्या है, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, मतलब हाफ बेस के गामा एच वन,
इंटू एच वन, हाइट कितनी इस ट्रायंगल की, एच वन, तो ये एच वन स्क्वायर हो जाएगा, किलोन्यूटन पर मीटर में निकला होगा। इसकी लोकेशन कितनी है बेस से, मान लेता हूँ एट वाई वन फ्रॉम द बेस, फ्रॉम द बेस मान लिया मैंने। उसके बाद एफ ए टू, उसके बाद क्या देख रहे हैं, एफ ए टू देखते हैं। एफ ए टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, ये है विड्थ और ये है हाइट, तो कितना हो जाएगा के ए गामा एच वन इंटू एच टू, ऐसा कर लो, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसकी लोकेशन मान लेता हूँ एट वाई टू फ्रॉम दी बेस, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर शो भी कर देता हूँ, यदि आप चाहें तो मैं इसको शो कर सकता हूँ कि ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई, ये आपकी वाई वन हो गई, ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई, वाई टू हो गई, ठीक है, ये वाई वन बता दी, ये वाई टू बता दी। वाई वन मैंने एफ एफ ए वन मैंने कहाँ से लिया, बेस से लिया है, हाँ वाई वन पूरा यहाँ से यहाँ तक, ऐसा मत सोचते ना कि मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया है, बेस से लिया है, बेस ऑफ दी, बेस ऑफ दी शीट पाई या बेस ऑफ द रिटेनिंग वॉल से। अब इसमें एफ ए थ्री और एफ ए फोर देख लेते हैं, एफ ए थ्री कितना आ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बनेगा तो कितना हो जाएगा, हाफ बेस है आपका के गामा सबमर्ज इंटू एच टू, ये एच टू है, इसमें हाइट एच टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ट्रायंगल की हाइट एच टू स्क्वायर, तो बस हाफ के गामा सबमर्ज एच टू स्क्वायर। इसकी लोकेशन कहां पर है, इसकी लोकेशन अपन ने मान ली वाई थ्री पर है, इसकी लोकेशन अपन ने कहां मान ली, वाई थ्री फ्रॉम द बेस, और इस वाले की लोकेशन अपन ने y4 from the base मान रखी है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ at y3 from the base, at y3 from base, ऐसा अपन ने लिख दिया है ना, at y3 from the base अपन ने ऐसा लिख दिया। उसके बाद है ना, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं f a4, ये भी ट्रायंगल बन रहा है, इसका भी एरिया ले लो, क्या हो जाएगा, हाफ गामा डब्ल्यू एच, एच किसा है, एच टू है, और हाइट भी अपनी कितनी है, एच टू, तो यहाँ पर एच टू स्क्वायर हाफ बेस इनटू हाइट से, इसको अपन ने कितने पे मान लिया, वाई फोर पर, तो एट वाई फोर फ्रॉम द बेस, ऐसा मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, यहाँ तक की बात पूरा फिगर क्लियर है शुरू से आखिरी तक। हमें तो टोटल फोर्स निकालना था, तो ये सब किलो न्यूटन पर मीटर में निकले थे, तो हमारा टोटल रिजल्टेंट फोर्स जो है वो भी निकल जाएगा, टोटल रिजल्टेंट फोर्स एफ ए विल बी इक्वल टू एफ ए वन प्लस एफ ए टू प्लस एफ ए थ्री प्लस एफ ए फोर निकलेगा, यही निकलेगा सभी का, यस सर यही निकलेगा। लेकिन इसकी लोकेशन क्या है सर, इसकी लोकेशन आपने बताई नहीं, तो देखो मैं अभी बता रहा हूँ इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी, इसकी लोकेशन हो जाएगी एट वाई बार from the base, at y bar from the base, तो जिस तरीके से अभी मैंने लास्ट वाले केस में निकाला था वैसे मैं इसका भी निकाल दूं, a1x1 plus a2x2 divide में a1 plus a2 ऐसा करके निकालते थे अपन, तो यहां पर मैं y bar निकाल लेता हूं, और y bar कितना हो जाएगा, f a1y1 plus f a2y2 plus f a3y3 plus f a4y4 divided में आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा ये एफ ए लिख सकते हैं, क्योंकि एफ ए वन प्लस एफ ए टू प्लस एफ ए थ्री प्लस एफ ए फोर ये किसके बराबर है, एफ ए के ही बराबर है, तो आप चाहे तो यहाँ पर डायरेक्टली एफ ए भी टोटल लिख सकते हैं रिजल्टेंट वैल्यू, लेकिन मैंने ठीक है पूरा लिख दिया एफ ए थ्री प्लस एफ ए फोर इस तरीके से, क्लियर है यहाँ तक की बात। तो ये यह हमारा यहाँ पर वाई बार भी निकल आया। सर मुझे सब कुछ पता है, सर मुझे यहाँ पर सब कुछ पता है, मुझे यहाँ पर ना, मुझे यहाँ पर एफ ए वन पता है, एफ ए टू पता है, एफ ए थ्री पता है, एफ ए फोर पता है, लेकिन मुझे जो पता है नहीं है वो क्या चीज है, वो है आपका वाई वन वाई टू वाई थ्री एंड वाई फोर। तो क्या आप बता सकते हैं क्या वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर का वैल्यूज, तो यहाँ पर सभी लोगों से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे आप सभी लोग वाई वन वाई टू वाई थ्री और y4 का वैल्यू बताएंगे। चलिए सभी लोग कमेंट करके बताइए फुर्ती से,
सभी लोग कमेंट करके बताएंगे फुर्ती से। क्या बात है, 300 से ऊपर लोग आज आ गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। सब लोग Y1, Y2, Y3, Y4 का वैल्यू यहाँ पर मुझे बताएंगे पूर्ति से। एक नंबर, एक नंबर, बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आंसर बता रहे हैं सभी लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया, सब लोग का सही आंसर है Y1, Y2, सब 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 लोग सही आंसर दे रहे हैं बेहतरीन तरीके से। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं यहां पर वैल्यूज लिखता हूं, जिन लोगों ने सही आंसर बताया है उनको बहुत 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 बढ़िया काम किया उन्होंने, जिन्होंने नहीं बताया है ना उनके लिए मैं यहां पर लिख देता हूं। देखो Y1 क्या निकला होगा, बेस से ये Y1, तो ये H2, और ये यहाँ से इतनी डिस्टेंस कितनी होती है, 1/3 होती है, तो इतना था H1/3। ये हो गया आपका H1/3 प्लस H2। तो यहाँ पर मैंने लिखा H1, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा H1/3 प्लस H2। Y2 के बारे में लिखता हूँ, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का, सॉरी ट्रायंगल नहीं है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का कहाँ पर होगा, हाफ पर होगा, तो H2/2। यहाँ पर अपने क्या लिखा, H2/2। Y3 का क्या हो जाएगा, H2/3 हो जाएगा, तो यहाँ पर H2/3 हो गया। और Y4 का क्या हो गया, H2/, ये भी 1/3 पे आ जाएगा, तो ये भी आपका H2/3 हो गया। तो मैं देख रहा हूँ लगभग 300 बच्चे हैं, 300 के 300 बच्चों ने कमेंट करा है बहुत बेहतरीन लेवल पे। सबके आंसर क्या है यहाँ पर, लाजवाब है, सबके आंसर सही है। तो ये था मेरा केस नंबर 4। ठीक है, तो एक बार मैं कैमरा घुमाता हूँ, है ना, एक बार मैं कैमरा घुमा देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे हमने क्या देखा, हम लोगों ने केस नंबर 3 देखा, सब्जेक्टेड टू सरचार्ज का, है ना। और इसका यूज़ करते हुए मैंने फिर आप लोगों को नेक्स्ट बताया केस नंबर 4, व्हेन वाटर टेबल एट एनी डेप्थ पर। क्या बताया, वाटर टेबल एट एनी डेप्थ पर मैंने बताया आप लोगों को कुछ इस तरीके से। ये था मेरा केस नंबर 4। एक लास्ट केस आज हम देखते हैं, अभी देखें या कल देखें, मोबाइल का है मेरा, टाइम क्या हो रहा है, 2:20 हो चुके हैं। दो केस और बताने हैं मुझे आप लोगों को, दो केस और बताने हैं, लंबे लंबे से हैं, 20-20 के हैं, कल देखते हैं, है ना, आने वाले टाइम में अपन कल देखते हैं। दो केसेस हैं, एक इसके आगे का केस है, केस नंबर 5 और केस नंबर 6। ठीक है, वो अपन कल की क्लास में देखेंगे। आज मैं सोच रहा हूँ आज की क्लास को फिर अपन यहीं पर स्टॉप करते हैं, 2:20 हो गई है, करीब करीब 1.5 घंटा की क्लास होने में आ गई है। कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आज का सेशन अपन यहीं पर क्लोज कर देते हैं। ठीक है, सब कुछ आप लोगों ने लिख लिया होगा ऐसा मैं आशा कर रहा हूँ। ठीक है, आज की क्लास को फिर अपन यहीं पर स्टॉप करते हैं, आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, नेक्स्ट क्लास में मैं क्या बताने वाला हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला रहूँगा ये दो केसेस जो बचे हैं, जो दो केसेस अभी मैं नहीं बता रहा हूँ वो मैं बताने वाला रहूँगा।
प्लस आज हमने जो एनालिसिस देखी ये हम लोगों ने कोहेजन लेस एनालिसिस देखी, कोहेजन लेस सॉइल में देखी, सैंडी सॉइल में। यदि सर मेरे पास सिल्टी सॉइल आ गई या मेरे पास क्ले सॉइल आ गया जिसके अंदर कोहेजन मौजूद है तो उसमें हम क्या करेंगे, तो हम वहाँ पर बेल्स एनालिसिस लगाते हैं। अभी हम लोगों ने रेंकाइंस एनालिसिस देखी, आने वाले टाइम में हम कल की क्लास में, कल संडे है तो कल देखता हूँ, यदि मेरा मूड हो गया तो मैं लगा दूंगा, नहीं तो फिर मंडे हम देखेंगे कि हम लोग क्या देखेंगे, हम मंडे हम देखेंगे कोहेसिव सॉइल के लिए लेटरल अर्थ प्रेशर एनालिसिस किस तरीके से उसमें एक्टिव पैसिव निकाला जाता है। तो एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, जिन बच्चों ने मेरा कल वाला लेक्चर नहीं देखा था, लेक्चर तो डिलीट हो गया, जिन बच्चों ने मेरा कल वाला लेक्चर नहीं देखा था क्योंकि लेक्चर तो मैं डिलीट कर दिया था मतलब उसको मैंने प्राइवेट कर दिया था, तो वो बच्चे नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखना कोहेसिव सॉइल वाला, तो आपको रिलेट कर पाओगे कि मैं पिछले वाले में क्या पढ़ाया था मैंने, आपको रिलेट हो जाएगा। क्योंकि भाई कोहेसिव सॉइल के लिए पढ़ाऊंगा तो शुरुआत से पढ़ाऊंगा कि एक्टिव कैसा लगेगा कोहेसिव सॉइल में, पैसिव कैसा लगेगा, है ना। जैसे मैंने कोहेजन लेस सॉइल में आप लोगों को लेकर बताया था कि लगता क्यों है प्रेशर, उसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, सॉइल कैसे अनस्टेबल थी, एलिमेंट कैसे अनस्टेबल था, उसको मैंने कैसे स्टेबल बनाया, वो सब कुछ, तो वो आने वाले लेक्चर में फिर आपको देखने को मिलेगा। तो जिन बच्चों ने मेरा पिछला लेक्चर अटेंड नहीं किया था उन लोगों को अगला आने वाला लेक्चर जरूर अटेंड करना चाहिए, ऐसा मैं उनको बताता हूँ, ठीक है। बाकी तो सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। हाँ, ठीक है भाई, ओके अभिषेक निगम, ठीक है भाई, ठीक है, चलिए चलिए सेशन अपन क्लोज करते हैं। कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा कमेंट तो अपन बाद में भी नहीं कर सकते, हम जो करना है चैट में करना है क्योंकि वो तो प्राइवेट हो जाएगा लेक्चर ये बाद में, ठीक है भाई, ठीक है, समझ गया। हाँ मैं करवा रहा हूँ भाई, स्टील का मैं चालू करवाता हूँ कुछ दिन में, मेरी बात हुई थी ना कि स्टील का ही कराना है बस अपने को, स्टील और यह क्या बोलते हैं स्टील वगैरह करवाऊँगा मैं, है ना, जल्दी से जल्दी स्टील करवाऊँगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ओके okay?